दोस्तों ज़्यादातर महिलाएं अपने लेबर पेन से बचने के लिए और डॉक्टर अपना समय बचाने के लिए 10 में से 8 महिलाओं को सीजेरियन डिलीवरी कर देते हैं। दोस्तों सीजेरियन डिलीवरी के जगह नॉर्मल डिलीवरी के कई सारे फायदे हैं, तो आज का वीडियो में हम लोग 5 ऐसे बड़े फायदे के बारे में जानेंगे। वहीं नॉर्मल डिलीवरी के कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, उसे भी हम लोग जानेंगे। और सबसे अहम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, आप क्या ऐसा करें आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नॉर्मल डिलीवरी का सबसे बड़ा फायदा ये है, महिलाएं बहुत जल्दी घर लौट जाती है, यानी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती है। जहां सीजेरियन डिलीवरी में आपको कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, वहीं नॉर्मल डिलीवरी में आप कुछ घंटों के बाद चल फिर सकते हैं, बाथरूम तक जा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में जो लेबर पेन होता है उसमें महिलाओं के शरीर में एंड्रोफिन नामक एक किस्म का हार्मोन रिलीज होते हैं, जो दर्द को कम करता है और बहुत जल्दी ठीक कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी का दूसरा बड़ा फायदा, माँ अपने बच्चे को कम से कम समय के अंदर अपना दूध पिला सकती है, जहाँ सीजेरियन डिलीवरी में ऐसा कम होता है, क्योंकि सीजेरियन डिलीवरी के बाद या तो माँ एनेस्थेसिया में रहती है या बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, या तो उसके शरीर में हार्मोन का संतुलन अच्छे से ना होने के कारण ब्रेस्ट में मिल्क देर से आता है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी में महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोन का संतुलन अच्छे से होने के कारण बेहद कम समय में ब्रेस्ट में मिल्क आ जाती है, माँ अपने बच्चे को जल्द से जल्द अपना दूध भी पिला सकती है। तीसरा बड़ा फायदा, बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के केस में जब जोनी मार्ग के अंदर से बच्चा गुजरता है तो उसके शरीर में कई ऐसे अच्छे बैक्टीरिया आते हैं, जो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है और कई तरह का इन्फेक्शन से बचाता है। वहीं सीजेरियन डिलीवरी में ऐसे अच्छी बैक्टीरिया बच्चों के शरीर में ना आने के कारण उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है और कई तरह का इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। नॉर्मल डिलीवरी का चौथा बड़ा फायदा है, दूसरा बच्चा प्लान करना। जी हाँ दोस्तों, एक बार अगर आपका डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो आपको दूसरा बच्चा प्लान करने में भी बेहद आसानी होती है, उतना सोचना नहीं पड़ता। अगर आपका एक बार सीजेरियन डिलीवरी होता है तो आप सोच में पड़ जाते हैं दूसरा बच्चा प्लान करे या ना करे, क्योंकि आपको पता ही होता है दूसरा बच्चा भी सीजेरियन डिलीवरी में ही होगा। तो ऐसे भ्रम के कारण कभी कभी पेरेंट को डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और दूसरा बच्चा प्लान करना भी बेहद कठिन होता है। नॉर्मल डिलीवरी का पांचवा सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल बचत। अगर आप एक बार सीजेरियन डिलीवरी कराते हैं तो डॉक्टर मोटी फीस लेते हैं और साथ ही आपको कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना भी पड़ता है, तो उसका भी एक खर्च आता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो आपको हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता और डॉक्टर का फीस भी उतना ज़्यादा होता नहीं, इसीलिए आप फाइनेंशियल बचत कर पाते हैं। दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी का फ़ायदा तो है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ लेबर पेन होती है, पेट में सूजन होती है, दर्द होती है। इसके अलावा हेवी ब्लीडिंग होते हैं, महिला कमज़ोर पड़ जाती है, थकान होती है, चक्कर आती है और कभी कभी बेहोश तक होती है। अब हम लोग बात करेंगे महिला क्या ऐसा करे ताकि उसका सीजेरियन डिलीवरी के जगह नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे हो। दोस्तों कुछ ऐसे उपाय है। सबसे पहला उपाय, आप डॉक्टर की पूरी तरह से ना सुने। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं एक बार प्रेगनेंसी के आने के बाद उसे पूरी तरह से रेस्ट में भेज देते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह से रेस्ट में रहेंगे और किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपके अंदर सहन शक्ति कम हो जाएगी। उसके जगह आप डॉक्टर के सलाह के मुताबिक थोड़ा बहुत व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और हर समय खुद को हल्का फुल्का एक्टिव रखें। इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिलेगी। दूसरा चीज़ है, प्रेगनेंसी के दौरान आप सही पोषण लें। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साग सब्जी, फल मूल ये सब ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ताकि आपके शरीर में पोषण की कमी ना हो। तीसरा चीज़ है, आप दिन भर अच्छे से पानी पिए और खुद को पूरी तरह से हाइड्रेट रखें। और चौथा चीज़ है, आप अपने वजन को ज़्यादा ना बढ़ाए। अगर आप ज़्यादा प्रोसेस फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे तो आपका बेवजह वजन बढ़ जाएगा, तो आपका नॉर्मल का जगह सीजेरियन डिलीवरी होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए वजन को नियंत्रण में रखना है। और अंत में पांचवा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान आप बार बार डॉक्टर ना बदले। अगर आप लंबे समय से कोई एक अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं तो उस डॉक्टर के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाता है। डिलीवरी के समय वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं सीजेरियन डिलीवरी के जगह नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। वहीं अगर आप बार बार डॉक्टर बदलेंगे और डिलीवरी के समय दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे
तो उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं, वो समय बचाने के चक्कर में वो आपका सीजरन डिलीवरी कर देते हैं, ज़्यादा समय खर्च नहीं करते। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।